गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 2 से हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके व्याकरण बुक में पार्ट 5 लिंग। आज हम लोग लिंग पढ़ेंगे। तो बच्चों, पार्ट पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी। क्या आप अपने घर में अकेले रहते हैं? आप कहेंगे नहीं, मैं अपने मम्मी पापा, दादा दादी और भाई बहन के साथ रहता हूँ, है ना? तो मैंने कहा मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, मतलब मम्मी दादी बहन वो फीमेल हैं, मतलब स्त्रियां हैं, और दादा पापा भाई मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं। तो पता चल जाता है कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन मेल है, कौन फीमेल है। इसी को हम लिंग कहते हैं। अभी इसको मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा रही हूं। आप यहां देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, यानी कि लिंग कहलाता है। जैसे लिंग के प्रकार, यानी कि लिंग को दो भाग में बांटा गया है। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुलिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जैसे आप यहां देखिए, मुर्गा मुर्गी, तो मुर्गा पुलिंग है और मुर्गे स्त्रीलिंग। बंदर बंदरिया, बंदर पुलिंग है और बंदरिया स्त्रीलिंग। इसी तरह यहाँ भी है, दादा दादी, राजा रानी। अब आप यहाँ देखिए पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30। ये दोनों पेज बच्चों आप अच्छे से रीड करेंगे और इसमें कुछ पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिया हुआ है। जैसे यहां देखिए, ग्वाला ग्वालिन, लड़का लड़की, डिब्बा डिबिया। और पेज नंबर 31 में देखिए कुछ पुलिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं। आप इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है, ये कुछ प्रश्न है जो आपके वेबसाइट पे दे दिए जाएंगे। आप इसका आंसर इसी बुक में करिएगा। बच्चों, बहुत से बच्चों के पास बुक है तो आप बुक में ही कीजिएगा, और जिसके पास नहीं है वो रफ कॉपी में, जैसे आप करते आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू कीजिएगा। धन्यवाद।